के लिए काफी है कि वहां जो कुछ कोटा जिस कम्युनिटी का था उससे अलहदा वहां की हुकूमत ने एक मखसूस कोटा बना करके और गुजरों को रिजर्वेशन दिया। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि मजहब के नाम के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इस मुल्क में जब मजहब के नाम से रिजर्वेशन से रोका जा सकता है, एक मजहब के मानने वालों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है और दूसरे मजहब के मानने वालों को मजहब के नाम से रिजर्वेशन से रोका जा सकता है, तो फिर इस मुल्क में ऐसा कानून क्यों नहीं बन सकता कि मजहब के नाम के ऊपर भी रिजर्वेशन दिया जाए। तीसरी बात मैं आप हजरात के सामने जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर इस सिलसिले में कहीं कानून रुकावट बनता है और कानून आड़े आता है तो इस मुल्क के अंदर हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जब इस मुल्क के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया तो एक आदमी की हुकूमत बरकरार रखने के लिए इस मुल्क के कानून को बदला गया तो क्या 25 करोड़ आवाम की पसमानगी को दूर करने के लिए इस मुल्क के कानून को बदला क्यों नहीं जा सकता। मोहतरम हजरात, मैं इस मौके के ऊपर तमाम इंसाफ पसंद हजरात से इस पुणे की सरजमीन के ऊपर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और मिश्रा कमीशन ने जो सिफारिशात की हैं, आप लोग बेदार होकर के इन सिफारिशात के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो 2 महीने की जद्दोजहद करने जा रहा है इसमें भरपूर तआवुन दें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से इसी महाराष्ट्र के अंदर कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को सर्दखाने में डाल दिया गया, इस मुल्क के अंदर गुजराल कमेटी की रिपोर्ट को उर्दू के सिलसिले में सर्दखाने में डाल दिया गया, हमारी हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। और उसका इशारा जैसा कि सैयद शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि हमारे इस मुल्क के वज़ीर सलमान खुर्शीद साहब ने दिया है और परसों औरंगाबाद के अंदर तकरीर करते हुए मिस्टर विलास राव देशमुख जो यहाँ के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस तरह इशारा दिया है कि इस मुल्क के अंदर अकलियतों के साथ अब तक जैसा इंसाफ किया जाना चाहिए था वैसा इंसाफ नहीं किया गया है। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को मुतवज्जो किया है कि सिर्फ तकरीर कर देने से काम नहीं चलेगा बल्कि उन्होंने खुद आगे बढ़ करके वहाँ के मुसलमानों को खुसूसी तौर पर आह्वान किया है, उनसे अपील की है कि इस सिलसिले में आगे बढ़ करके उन्हें जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है और उसकी इनसिंसियरिटी का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर जब उसने रिपोर्ट को पेश किया तो बग़ैर एटीआर के पेश किया। इसलिए इस मौके के ऊपर मैं आप हजरात से खुसूसी तौर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से दलित और पसमानदा लोगों के लिए पूना से आवाज़ उठी थी और आज वो दलित और पसमानदा लोग इस मुल्क के अंदर अपना हक लेकर के और तरक्की की राह पर गामजन हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए पूना को मुंतखब किया है और यहाँ से ये आवाज़ लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर 2 महीने मुसलसल जो प्रोग्राम चलने वाला है, आप हजरात से गुजारिश है कि उसके अंदर अपना तआवुन करें और उस वक्त तक चैन से न मिले। हम अल्लाह ताला के बहुत मशहूर हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बेदारी का चस्का पैदा फरमाया और जरिए के तौर पर इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कबूल फरमाया। बेंगलोर के एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस से मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जानता हूं, बहुत करीब से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा है। बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड में जिसका नाम टीपू सुल्तान नगर के तौर पर उस वक्त में रखा गया था, लाखों का मजमा, ये कवामी समंदर, उस वक्त के खिताबात आज भी मेरे कानों में हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त अपने एजेंडे का ऐलान किया था कि एम्पावरमेंट,
एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सोशियो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, लीगल एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस हिंदुस्तान में 60 साल के बाद एम्पावरमेंट के बारे में सोचना पड़ रहा है। आप जान सकते हैं कि यह जमहूरी मुल्क अपने आप को इंडिया शाइनिंग के नाम से पुकारता है, लेकिन एम्पावरमेंट के बारे में हमें सेमिनार्स कंडक्ट करने पड़ रहे हैं, जलसे मुनाकिद करने पड़ रहे हैं। रिजर्वेशन के सिलसिले में बहुत सालों से सेमिनार्स हुए, इंटेलेक्चुअल्स में चर्चे हुए, बहुत सी किताबें लिखी गईं, मीडिया में बहुत ज़्यादा लिखा गया, आर्टिकल्स लिखे गए, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जिसने इस उन्वान को अवाम तक लेकर आए, गलियों तक लेकर आने का आपने प्लान फरमाया, घरों तक आपने लेकर आने का प्लान फरमाया। मेरी दुआ है कि आपके कंधे मजबूत हों, आपकी क़ियादत मजबूत हो। तारीख गवाह है, जब क़ियादत बूढ़ी हो जाती है तो मिल्लत का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। कभी भी क़ियादत बूढ़ी नहीं होना चाहिए, चाहे खायद बूढ़ा क्यों ना हो जाए। आज मैं देखता हूं खायद बूढ़े हैं, लेकिन उनकी तकारीर से, उनके अजायम से आपको महसूस हुआ होगा कि उनकी क़ियादत बूढ़ी नहीं हुई है, अभी अभी जवान हुई। मैंने जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देखा है, इसने बहुत ही डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। इसकी हर कार्रवाई कानून के दायरे में, हम आपको मुबारकबाद देते हैं और इस रास्ते में आपकी तरक्की के लिए हम जो है आपका साथ देंगे। लेकिन जितने भी तकारीर हुई उसको बहुत ही छोटे पैमाने में मैं आपको समो के पेश करना चाहता हूं कि तमाम तकारीर का खुलासा ये था कि हमारे दरमियान डबल स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है। मैं चंद मिसालों के साथ आपको ये बात बता देना चाहता हूं। मिसाल के अंदर बैंक की जितनी भी नौकरियां हैं वो हमारे लिए 3.5% है, लेकिन बैंक के खातेदारों के बारे में आप जब तहकीक करेंगे तो आपको 13% से ज्यादा आपको बैंक के खातेदार मिलेंगे। बैंक के खातेदार 13%, जब नौकरी देने का वक्त आता है तो 3.5% और 3%। इसी तरीके से बहुत सी तकारीर में आपको यह भी सुनने में मिला कि हमारी इस मुल्क को, मुल्क की हिफाजत करने के लिए जो मिलिट्री है, दिफा का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में हम 2% और 2.5% हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि तहकीक से मालूम हुआ कि कारगिल जो जंग हुई थी उस वक्त में जितने भी नौजवान शहीद हुए हैं उसमें 8% मुसलमान हैं। हमें जब देने का मौका आ रहा है तो 2%, 3%, लेकिन जब हमारे से लेने का मौका आता है तो 13%, 18%। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। जिन्होंने अपने ज़रूरी घरेलू कामों को एक तरफ रखकर अपनी फिक्रमंदी जाहिर की है इस प्रोग्राम में आकर, तमाम बुज़ुर्ग जो काफ़ी तकलीफ़ें उठाकर शायद यहाँ तक पहुँचे हों, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन तमाम नौजवान जिन्होंने ये प्रोग्राम को, इंतज़ाम को अंजाम दिया है, रात दिन मेहनत की है और करीब 15 दिनों की मुसलसल मेहनत के बाद में इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम